सो हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन का वर्ड प्रॉब्लम्स और टाइप थ्री वन और टाइप टू. हम लोगों ने देखा टाइप नंबर वन क्या था, प्रॉब्लम्स ऑन मनी मैटर, चेयर और टेबल वाला एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया. उसके बाद क्वेश्चन टाइप टू में हम लोगों ने देखा प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स. तो नंबर्स में क्या क्वेश्चन था कि दो नंबर्स का सम इतना दिया गया है, दो नंबर्स का स्क्वायर का डिफरेंस कुछ था, उसके बाद सम ऑफ द रेसिप्रोकल, उसके बाद सम डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल. तो वो तीनों क्वेश्चन को हम लोगों ने किया. आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम्स ऑन टू डिजिट नंबर. तो अब देखिए, नंबर और टू डिजिट नंबर दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे टाइप बाय टाइप अलग कर दिया. तो समझिए एक चीज को, कॉन्सेप्ट को, कि टू डिजिट नंबर क्या होता है. ठीक है, अगर हम लोग देखें तो एक टू डिजिट नंबर को मान के चलिए 21 एक नंबर है जो टू डिजिट में है. तो इस 21 को हम लोग एक्चुअली में कैसे लिखते हैं, 10 इंटू 2 प्लस 1 ऐसे लिखते हैं. ठीक है, ये एक्चुअली में इस 21 को रिप्रेजेंट करने का तरीका है. और यहाँ पे ये जो 1 है इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट प्लेस पे, यूनिट प्लेस का वैल्यू है ये 1. और ये जो 2 है इसको हम लोग बोलते हैं टेंस प्लेस. ठीक है, टेंस प्लेस. ये हम लोग को आई थिंक पता होगा इस 21 जो 2 डिजिट नंबर है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं. तो 10 इंटू 2 प्लस 1, तो ये 1 क्या है यूनिट प्लेस पे है और ये 2 क्या है टेंस प्लेस पे है, ये हम लोग को पता है. अब देखिए, ये टू डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है. टू डिजिट नंबर को इसे ये लिखा हुआ है 10 इंटू 2 प्लस 1. अगर मान के चलिए मैं 32 का एग्जांपल लूं तो आप करिएगा 10 इंटू 3 प्लस 2. तो यहां पर 2 क्या है यूनिट प्लेस पे, 3 क्या है टेन प्लेस पे, ये है. तो कोई भी टू डिजिट नंबर को एक्सप्रेस करने का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, 10x प्लस y. यहाँ पे y क्या है इसका यूनिट प्लेस वैल्यू है, यूनिट प्लेस वैल्यू है. और यहाँ पे x क्या है इसका 10 प्लस. ठीक है, तो ये क्लियर हो गया. अब देखिए, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने लिखा टू डिजिट नंबर का, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने क्या लिखा, 10x प्लस y. क्या लिखा, 10x प्लस y. इसमें y क्या है यूनिट प्लेस का वैल्यू है और x क्या है 10 प्लस का वैल्यू है. तो इसमें ये तो क्लियर हो गया कि ये टू डिजिट नंबर होता है 10x प्लस y. ये x और y को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे x और y को हम लोग क्या बोलते हैं. तो यहाँ पे x और y को हम लोग बोलते हैं इसका डिजिट. इस 21 यहाँ पे जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल में ले रहा हूं 21 है, तो 21 में 2 और 1 क्या है इसका डिजिट है. ठीक है, 2 और 1 क्या है डिजिट है. यहाँ पे देखिए 2 और ये 1, ये क्या है इसका डिजिट है. उसी तरह से अगर ये 10x प्लस y एक टू डिजिट नंबर है तो x और y इसका क्या है, इसका डिजिट है. x एंड y इसका क्या है डिजिट है. क्लियर हो रहा है आई थिंक कॉन्सेप्ट पूरा. तो अभी कोई भी क्वेश्चन को अगर यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है कि एक टू डिजिट नंबर का डिजिट्स है, तो डिजिट्स का मतलब क्या होता है x और y. ठीक है, डिजिट्स का मतलब क्या होता है x और y. और टू डिजिट नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, तो 10x प्लस y. ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी टू डिजिट नंबर को. तो ये हम लोगों ने बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लिया. अब देखिए, क्वेश्चन में दिया गया है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 12. तो देखिए यहाँ पे व्हाट मेंशन क्या करना है, आपको क्या समझना है. देखिए द सम ऑफ, देखिए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, द सम ऑफ इट्स डिजिट्स. देखिए क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ द डिजिट्स. तो यहाँ पे डिजिट्स का मतलब मैंने समझा एक्स और वाई. क्या समझा, एक्स और वाई. तो यहाँ पे यही चीज मैं समझा रहा हूँ कि 10x प्लस वाई में एक्स और वाई क्या है इसका डिजिट. तो जहां पे वर्ड लिखा रहेगा कि द सम ऑफ द डिजिट, द सम ऑफ द डिजिट, तो वहां पे क्या लेना है आपको, x प्लस वाई. क्लियर है, क्लियर हो रहा है, गुड. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है. ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन, क्लियर है, टू डिजिट नंबर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि क्वेश्चन में कैसे कैसे आपको स्टेप यूज करना है और क्या क्या टर्म्स आपको समझना है यहाँ पे. तो एक बार इसको कॉपी कर लीजिए, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टू डिजिट नंबर के कॉन्सेप्ट को. तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया कि टू डिजिट नंबर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं और एक्स वाई इसमें क्या होता है. तो अब यहां से हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना. देखिए क्वेश्चन में अगर आप पढ़ पा रहे हो तो देखिए क्वेश्चन में लिखा है द सम ऑफ द डिजिट्स, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर. तो दो डिजिट नंबर में उसके डिजिट क्या होता है, एक्स और वाई. तो एक्स और वाई, तो क्वेश्चन में बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 12. इसका मतलब, तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं पहले कि लेट द टू डिजिट नंबर
लेट द टू डिजिट नंबर बी 10x प्लस वाई, एक दो डिजिट नंबर को हम लोग क्या फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, तो 10x प्लस वाई, अब उसमें x और y क्या होता है, उसका डिजिट्स, तो क्वेश्चन में बोल रहा है उसका डिजिट्स का सम जो है वो 12 है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्वेश्चन में बोला गया 12, ये है क्वेश्चन नंबर 1, आई थिंक यहां तक क्लियर हो गया। आगे पढ़िए क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है कि द नंबर इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। फिर से देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये 10x प्लस वाई में x और y का डिजिट्स जो है, ठीक है, इस 10x प्लस वाई में x और y क्या, इसका डिजिट्स, अगर इस डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, मतलब x के जगह पे y और y के जगह पे x, ठीक है, इंटरचेंजिंग का मतलब क्या होता है कि x के जगह पे y और y के जगह पे x, क्लियर हो रहा है, तो अगर हम लोग ये नंबर 10x प्लस वाई टू डिजिट नंबर है, उसमें x और y उसका डिजिट्स को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो इंटरचेंज करेंगे तो एक नया नंबर क्या बनेगा, 10y प्लस x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ था, और उसके बाद कंडीशन आगे हम लोग को बोल रहा है इसके डिजिट्स को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो यहाँ पे 10x प्लस y है, तो x के जगह पे y और y के जगह पे x किया, तो क्या हो गया फॉर्म 10y प्लस x, ये इंटरचेंज होने पे, तो इंटरचेंज करने पे क्या बोल रहा है, एक्सीड द गिवन नंबर बाई 18, तो गिवन नंबर एक्चुअली हमारा क्या है, ये नंबर 10x प्लस y ही हमारा क्या है, गिवन नंबर है, तो अब देखिए 10x प्लस वाई हमारा क्या है, ये गिवन नंबर है, ये 10x प्लस वाई हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, ये हमारा गिवन नंबर है, तो इस नंबर से वो ये नंबर क्या हो रहा है, 18 एक्सीड कर रहा है, 18 एक्सीड कर रहा है, ठीक है, समझिए बात को, क्वेश्चन में बोला गया है कि ये डिजिट इंटरचेंज करने पे, तो हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया, x के जगह पे y और y के जगह पे x कर दिया, अब ये नंबर क्या बोला जा रहा है, गिवन नंबर से 18 ज्यादा है, ये नंबर क्या है, 18 ऑलरेडी ज्यादा है, ये नंबर 10y plus x क्या है, 10x plus y से 18 ज्यादा है, तो यहाँ पे हमको इक्वल करने के लिए, ध्यान से देखिए, इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर पे फिर से 18 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है, क्या करना होगा, इस पुराने नंबर जो गिवन नंबर है इसमें 18 क्या करना होगा, ऐड करना होगा, क्यों, बात को समझिए, बात को समझिए, क्वेश्चन में क्या बोला गया फिर से कि अगर एक टू डिजिट नंबर जो है 10x प्लस वाई एक टू डिजिट नंबर है, इसमें इसका डिजिट्स x और y है, तो x के जगह पे y कर दे रहे हैं और y के जगह पे x कर रहे हैं, तो ये नया नंबर क्या बन रहा है, 10y प्लस x, और ये 10y प्लस x एक ऐसा नंबर बन रहा है, ठीक है, ये 10y प्लस x एक ऐसा नंबर बन रहा है जो कि 18 ज्यादा है, ये नंबर क्या है, 18 ऑलरेडी ज्यादा है, लिखा हुआ है ऑलरेडी एक्सीड द गिवन नंबर, तो गिवन नंबर ये है, इससे क्या है, ये नंबर ऑलरेडी क्या है, ज्यादा है 18, तो इक्वल करने के लिए मुझे 18 क्या करना होगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब वो दोनों इक्वल होंगे, अगर हम लोग एग्जांपल से समझे, अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझे, मान के चलिए एग्जांपल समझा रहा हूं, ठीक है, मान के चलिए एक नंबर है 23, एक टू डिजिट नंबर है, इस 23 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 × 2 + 3, क्लियर हो रहा है, अगर यहां पे देखूं तो 2 और 3 इसके क्या है, 2 और 3 इसके क्या है, डिजिट्स है, अगर हम लोग उसको इंटरचेंज कर दें तो ये नंबर बनेगा 10 × 3 + 2, तो ये नया नंबर क्या आ रहा है, 32, ये नया नंबर क्या बन रहा है, 32, अब ये नंबर देख सकते हैं आप, ये 32 जो है वो 23 से कितना ज्यादा है, 9, ये 32 नंबर जो है वो 23 से कितना ज्यादा है, 9, तो मुझे अब 9 किसमें ऐड करना पड़ेगा, मुझे 9 किसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें ऐड करना पड़ेगा जो कम नंबर है, तो सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी बोला जा रहा है कि एक नया एक नंबर था 10x प्लस वाई, एक क्या नंबर था 10x प्लस वाई, इसके डिजिट्स को इंटरचेंज किया तो बन गया 10y प्लस x, अब ये नंबर ऑलरेडी क्या है, 9 ज्यादा है, तो यहाँ पे 9 ज्यादा था, तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि ये नंबर जो है 18 ज्यादा है ऑलरेडी, देखिए लिखा हुआ है एक्सीड द गिवन नंबर बाय 18, तो ये इस नंबर से ये नंबर 18 ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ये 32 जो है ऑलरेडी 9 ज्यादा है 23 से, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे 9 किसमें ऐड करना पड़ेगा, जो नंबर कम है, तो अब देखिए ये जो 10y प्लस x एक नया नंबर बना वो 18 ज्यादा है किससे, इससे, तो दोनों को इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 18 इसमें ऐड करना पड़ेगा, जो पुराना नंबर था या जो गिवन नंबर था उसमें हम लोगों को क्या करना है, 18 ऐड करना पड़ेगा, क्लियर हो रहा है, आई थिंक यहां तक, ये एग्जांपल देखिए यहां पर समझ में आ जाएगा आपको,
ये नया नंबर बना जो 32, ठीक है, ये ऑलरेडी क्या है 9 ज्यादा है, तो इक्वल करने के लिए 9 किसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें, तब ये इक्वल होगा आपस में। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है, एक टू डिजिट नंबर है 10x + y, इसके डिजिट को इंटरचेंज किया तो ये बन गया नया नंबर 10y + x, और ये नंबर जब डिजिट को चेंज करूंगा मैं तो पक्का है कि गिवन नंबर से कुछ ज्यादा या तो कुछ कम होगा। क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देख सकते हैं आप, एग्जाम्पल मैंने लिया 23 और 32 का एग्जाम्पल लिया ना हम लोग ने, ये नंबर 23 था, डिजिट को इंटरचेंज किया, नया नंबर क्या बन गया 32। अब ये 32 23 से कितना ज्यादा है 9, ये नंबर 32 23 से कितना ज्यादा है 9। सेम तरीका है यहाँ पे भी कि अगर 10x + y एक टू डिजिट नंबर है, डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो 10y + x बन रहा, तो अब ये जो नया नंबर बन रहा है ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है ऑलरेडी कि ये 18 ज्यादा है, 18 ज्यादा है किससे, इससे, तो 18 यहाँ पे ऐड करेंगे तब ये दोनों आपस में इक्वल होगा। यहां तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे का प्रोसेस करते हैं क्योंकि यहां से ही एक इक्वेशन और बनेगा तभी हम लोग दूसरा एक लीनियर इक्वेशन मिलेगा, सॉल्व कर पाएंगे दोनों को आपस में। तो अब हम पूरे नंबर को हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म इधर एलएचएस में लेके आते हैं। देखिए यहाँ पे 10y + x - 10x + y = 18, यहां तक क्लियर हो गया? हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, देखिए आ रहा है 9y - 9x = 18, ठीक है, 9x - 9y = 18, therefore y - x = क्या बचा 2, इक्वेशन नंबर 2, और ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहां तक तो क्लियर हो गया आई थिंक, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट जो है आपको उसको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आपको सॉल्व करने होंगे। तो यहां तक क्लियर हो गया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमारा आ चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे और एक्स वाई का वैल्यू निकाल के एक टू डिजिट नंबर को बता देंगे कि ये टू डिजिट नंबर होगा। हम लोग को टू डिजिट नंबर के लिए एक्स और वाई चाहिए, एक टू डिजिट नंबर के लिए हमको एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स और वाई कहां से मिलेगा, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से। देखिए यहां पर x + y = 12, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि y + x = 12 लिख सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 क्या दिख रहा है हमें, y - x = 2, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करेंगे x कट जाएगा ऐड करने पे, तो यहाँ पे आएगा 2y = 14, तो देयरफॉर y = 7, y का वैल्यू 7 पुट कर रहा है इक्वेशन नंबर 1, तो y = 7 इन इक्वेशन नंबर 1, तो x + y = 12, तो देयरफॉर x = 12 - क्या रहा है, x = 12 - y, क्लियर हो रहा है? तो आप देख सकते हैं x = 12 - 7, देयरफॉर x = 5, तो x का वैल्यू 5 आ गया, y का वैल्यू क्या आ गया 7, y का वैल्यू क्या आ गया 7। अब बताइए कि x और y आ चुका है, तो दो क्वेश्चन में बोला गया तो फाइंड द नंबर, तो कौन सा नंबर निकालना है मुझे, ये स्टार्टिंग में जो नंबर हम लोगों ने एज्यूम किया ना उस नंबर को हमको फाइंड करना है। क्या समझ में आ रहा है, x और y निकालने के बाद क्या करना है मुझे, निकालना है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर, तो कौन सा नंबर, तो वो नंबर फाइंड करना है 10x + y, क्लियर होगा, गिवन नंबर जो हम लोगों ने एज्यूम किया था शुरू में उस नंबर को निकालना है। सो हम लोग को यहाँ पर लिखना होगा कि देयरफॉर टू डिजिट नंबर = 10 × x का वैल्यू क्या निकल गया 5 + y का वैल्यू क्या आ गया 7, तो नंबर 15 + 7 क्या आ गया 57, तो ये आपका आंसर, क्लियर होगा? ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझना होगा, ये एनसीईआरटी आर एस अग्रवाल आर डी शर्मा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में बहुत बार आ चुका है, ठीक है, तो आपको अच्छे से एकदम समझना होगा ये कॉन्सेप्ट को। मैं बार बार आपको इसलिए पंच पॉइंट पे समझा रहा हूँ कि ये जो पॉइंट था ना, यहाँ पे जो लाइन हम लोगों ने यहाँ पर 18 ऐड किया, क्यों ऐड किया ये समझना होगा आपको, क्लियर हो रहा है? अदरवाइज फिर आप बना नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चन को, और ऐसा क्वेश्चन आता ही है पेपर में, देखा जाए तो बहुत बार आ चुका है ऐसा पेपर क्वेश्चन जो टू डिजिट नंबर पे बेस्ड होगा, वर्ड प्रॉब्लम। तो हम सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने ये समझ लिया, क्या है x + y इसके डिजिट होते हैं, और मेनली जो टू डिजिट नंबर होता है हम लोग एक्सप्रेस करते हैं उसको 10x + y के फॉर्म में। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया था उसके डिजिट को इंटरचेंज कर रहे हैं,
तो एक नया नंबर बन रहा है 10y plus x, क्या नंबर बन रहा है 10y plus x। अब ये जो नंबर बन रहा है ध्यान से समझिए, ये जो नंबर बन रहा है 10y plus x वो ऑलरेडी क्या हो रहा है इस नंबर से 18 ज्यादा है, ठीक है। ये जो नंबर बना इस नंबर से ये ऑलरेडी क्या है 18 ज्यादा है। इक्वल करने के लिए मुझे 18 किसमें ऐड करना पड़ेगा, इसमें एग्जांपल मैंने लिया 23 और 32 का, तो उस एग्जांपल को कॉन्सेप्ट में रखिए आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां से एक सॉल्व किया तो इक्वेशन नंबर 2 बना, 1 2 को सॉल्व करके x और y निकालना है मुझे, x और y निकालने के बाद ही मैं यहां पे एक नंबर बता पाऊंगा कि एक 2 डिजिट नंबर क्या था वो। तो 10x plus y में x का वैल्यू आ गया 5 देख सकते हैं, y का वैल्यू क्या है 7, तो वैल्यू को पुट करने के बाद आंसर क्या आ गया 57। तो ये था कॉन्सेप्ट 2 डिजिट नंबर का। एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इससे, क्योंकि ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है और ये आपको समझना भी होगा अच्छे से, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है पेपर में, क्योंकि बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एनसीईआरटी में, ऐसे बहुत से क्वेश्चन दिया गया है, आईएएस अग्रवाल में भी है और प्रीवियस ईयर पेपर में भी दिया गया है। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं 2 डिजिट नंबर को बेस्ड, ठीक है। लिखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बेस्ड ऑन 2 डिजिट नंबर। अब कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हम लोगों ने सीख लिया है कि कैसे करना है और क्वेश्चन में जो बोलेगा तो हम लोग कैसे जैसे प्रोसेस करना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन बनाने में आपको एकदम टाइम नहीं लगेगा, एकदम जल्दी से जल्दी हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला गया पढ़िए इसको, लिखा हुआ है द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर। एक 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x plus y, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। मतलब अगर एक 2 डिजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं 10x plus y, तो उसके ऑर्डर एक्चुअली में ऑर्डर क्या हुआ, x आगे है और y मतलब पीछे है, मतलब इन द सेंस कि y जो है यूनिट प्लेस पे है और x क्या है 10th प्लेस पे। तो इसके ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं, मतलब ऐसा हो जा रहा है कि 10y plus x, तो बोला जा रहा है इन दोनों नंबर्स का सम। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स का सम क्या दिया हुआ 99, क्लियर हो रहा है। तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं यहां से, लेट द 2 डिजिट नंबर, लेट द 2 डिजिट नंबर नंबर इज 10x plus y, क्या होगा 10x plus y, बाकी ये सब रफली समझिए हम लोग। अब बोल रहे नाउ एंड नाउ रिवर्सिंग अब हम लोग ऑर्डर को रिवर्स करेंगे तो एक नया नंबर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा 10y प्लस एक्स, क्लियर हो रहा है यहां तक। एक 2 डिजिट नंबर क्या है 10x प्लस वाई, और उसका अगर ऑर्डर को हम लोग चेंज करेंगे तो वो क्या बनेगा 10y प्लस एक्स, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है इन दोनों नंबर्स का सम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है इन दोनों नंबर्स का सम, मतलब 10x प्लस वाई और प्लस 10y प्लस एक्स, क्वेश्चन में क्या बोला 99 है, क्या है 99। तो आप इसको पहले सॉल्व करिए, तो देखिए आ रहा है यहाँ पे 11x plus 11y is equal to 99, क्लियर हो रहा है। तो यहां से 11 कॉमन लेने पे क्या हो जाएगा कि x plus y is equal to 99, therefore x plus y is equal to 9, ये इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे इक्वेशन नंबर 1, क्लियर हो रहा है। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, दो एक्चुअली में एक 2 डिजिट नंबर क्या होता है 10x plus 5, उसके अगर ऑर्डर को रिवर्स कर दें हम लोग तो एक नया नंबर बनेगा 10y plus x, इन दोनों नंबर्स का सम ही क्वेश्चन में क्या बोला था 99। क्वेश्चन को पढ़िए आपको क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ द डिजिट्स डिफर, इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, क्वेश्चन में बोला गया है उसके डिजिट्स जो है अगर क्या हो रहे हैं डिफरेंस इन दोनों डिजिट्स में कितना डिफरेंस है 3 का। तो अगर हम समझे नाउ x माइनस वाई, ठीक है, नाउ x माइनस वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, क्लियर है। दोनों ही डिजिट्स x और y है, तो यहां पर x y का जो डिफरेंस है मतलब जो दोनों नंबर डिफर कर रहे हैं कितना नंबर से डिफर कर रहे हैं 3, तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये इक्वेशन नंबर हमारा 2। तो इक्वेशन नंबर 1 भी आ चुका है, इक्वेशन नंबर 2 भी आ चुका है, काम क्या है हमारा सॉल्व करना है। तो अनसॉल्विंग सॉल्विंग बोल सकते हैं या ऑन एडिंग ज्यादा इजी होगा, ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो देखिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये y और ये y क्या होगा कट जाएगा, x और x हो जाएगा, 2x is equal to 9 और 3 12, तो x का वैल्यू क्या आ गया 6, अब x का वैल्यू 6,
इन इक्वेशन नंबर वन. इक्वेशन नंबर वन क्या है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 9. ठीक है, तो x आ गया 6, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 9 माइनस x. देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 माइनस 6, तो y का वैल्यू क्या निकल गया, 3. y का वैल्यू क्या निकल गया, 3. x का वैल्यू 6 और y का वैल्यू आ गया 3. क्वेश्चन में एक्चुअली में x और y निकालना नहीं होता है, ठीक है, इस क्वेश्चन में x और y निकालना नहीं है. आपको क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द नंबर. अब नंबर क्या है, नंबर वही होगा जो हम लोग स्टार्टिंग में मानते हैं, तो 10x plus y हमारे स्टैंडर्ड है, वो नंबर हम लोग को यहाँ पे वैल्यू पुट करना है. सो x और y आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट, देख. सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स का वैल्यू क्या है 6 प्लस y का वैल्यू क्या है 3, तो नंबर क्या होगा 63. आई थिंक ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया टू डिजिट नंबर का. क्या है कॉन्सेप्ट, एक टू डिजिट नंबर को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं 10x plus y के फॉर्म्स, और x और y इसका क्या है, डिजिट. तो अगर ऑर्डर को रिवर्स करना या इंटरचेंज करना, तो अगर हम लोग इंटरचेंज कर रहे हैं या ऑर्डर को रिवर्स कर रहे हैं, तो जो नया नंबर बनेगा वो क्या बन जाएगा, 10y plus x. उसके बाद जो क्वेश्चन में बोला जाएगा उस तरह से प्रोसेस करना है. उसके बाद क्वेश्चन में एक हिंट्स भी दिया रहेगा कि दो डिजिट्स का सम या दो डिजिट्स का डिफरेंस है वो दिया रहेगा. इस क्वेश्चन में डिफरेंस दिया हुआ था, और जो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने किया उस क्वेश्चन में सम दिया हुआ था. तो उसके बाद दो इक्वेशन बनेगा, लीनियर, दो लीनियर इक्वेशन बनेगा. उसके बाद हम सिंपली उसको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं. तो यही पूरा कॉन्सेप्ट एक्चुअली टू डिजिट नंबर का, ठीक है, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टू डिजिट नंबर पे लीनियर इक्वेशन का प्रॉब्लम जो होगा वो ऐसे ही हम लोग को सॉल्व करना होगा. तो ये तरीका है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए आप, और क्वेश्चन जितने भी आपके बुक में दिया गया है अब उसको सॉल्व करिए, ठीक है, आप उसको सॉल्व करिए, और जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट्स में करिए, कमेंट्स में आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पे हेल्प कर दूंगा. और ये प्रोसेस अगर आपको क्लियर हो रहा है तो हम लोग एक नया टॉपिक को पढ़ते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. ठीक है, हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. ये टॉपिक को हम लोग अब यहाँ पे फिनिश करते हैं, दो क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया और बाकी सारे क्वेश्चन भी ऐसे ही एक्चुअली, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग नया टॉपिक पढ़ लेते हैं. स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप 4 प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रैक्शन. ठीक है, तो नॉर्मली हम लोग को इसमें कुछ ज्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म देखना नहीं, क्योंकि नॉर्मली फ्रैक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं a बाई बी के फॉर्म में या x बाई वाई के फॉर्म में हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे. तो इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम या कुछ बताने लायक ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, उसके बाद आगे सॉल्व करेगा. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो स्टार्टिंग देखिए लिखा हुआ था सम ऑफ द नंबर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. क्या लिखा हुआ है, इधर सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो एक फ्रैक्शन में हम लोग को ये तो पता ही होगा कि अगर x बाय वाई हम लोग माने तो इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. इस x को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर. y को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर. आई थिंक यहां तक आप लोग को पता होगा. ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है कि द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मतलब x और y का जो सम है उस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फ्रैक्शन में कितना है, 12. तो सिंपली हम लोग एज्यूम करते हैं कि लेट द फ्रैक्शन बी x बाई वाई. इसमें x क्या है, न्यूमरेटर है, और y क्या है, डिनोमिनेटर है. तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि x प्लस वाई, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि x प्लस वाई का वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, 12. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम क्या दिया हुआ, 12. तो x प्लस वाई का वैल्यू 12. अब बोल रहा है कि इफ द डिनोमिनेटर, नाउ डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, इज इंक्रीज्ड बाय 3. तो y एक्चुअली में फ्रैक्शन है क्या, x बाय वाई. एक्चुअली में फ्रैक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या, x बाय वाई. अब बोला जा रहा है कि इसके डिनोमिनेटर को हम लोग अगर 3 इंक्रीज कर दें, जो भी है y है उसमें 3 इंक्रीज कर रहा है वो, तो एक नया फ्रैक्शन बन रहा है क्या, 1/2. क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन में बोला कि एक फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम दिया हुआ 12. तो ये इक्वेशन नंबर 1. उसके बाद बोला जा रहा है कि एक फ्रैक्शन जो x बाय वाई के फॉर्म में होगा उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा उसमें वो 3 इंक्रीज कर रहा है, तो फ्रैक्शन जो वैल्यू है वो 1/2 हो जा रहा है. ठीक है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू है क्या हो जा रहा है, 1/2 हो जा रहा है. तो अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअली में जो वैल्यू आ गया 1/2, तो हम उसको सॉल्व करते हैं, एक नया इक्वेशन बनेगा, तो इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा. तो देखिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 2 क्या आ गया, 2x, और ये y प्लस 3 इंटू 1, तो पूरा y प्लस 3. तो हम लोग अगर देखें तो ये इक्वेशन बन गया 2x माइनस y इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2.
ये इक्वेशन नंबर वन और ये इक्वेशन नंबर टू। अब हमारा काम क्या है, तो सिंपली हमारा काम क्या है, इक्वेशन नंबर वन और टू को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालना, तो फ्रैक्शन का वैल्यू निकल जाएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या करना है हम लोग को, कि ऑन एडिंग, देखिए क्योंकि ये 2x माइनस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, एड करेंगे तो ये वाई और वाई क्या होगा, कट जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि ऑन एडिंग वन एंड टू, वन और टू को एड करने पे क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए x है और यहाँ पे क्या है 2x है, तो ये हो जाएगा 3x, और ये वाई और वाई कट गया तो 12 और 3 क्या हो गया 15, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ गया 5, x का वैल्यू क्या आ गया 5। अब हमको और क्या निकालना होता है, y, तो x का वैल्यू 5 हम लोग पुट कर रहे हैं इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो 1 क्या है, तो x प्लस y इज इक्वल टू 12 है, y निकालना है तो 12 माइनस x, तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 12 माइनस x का वैल्यू क्या है 5, वेरी गुड। तो y का वैल्यू क्या आ गया 7, y का वैल्यू क्या आ गया 7, x आ चुका है, y आ चुका है, तो फ्रैक्शन क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द फ्रैक्शन, तो x और y हम लोगों को पता चल गया है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5/7, ये हमारा फ्रैक्शन है 5/7। तो देख सकते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फ्रैक्शन पे ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है जो आपको मैं समझा पाऊं, और या आपको कुछ ऐसा पता नहीं हो, तो ऑलरेडी आपको सब कुछ पता है, जो क्वेश्चन जैसा आएगा वैसे क्वेश्चन को आपको स्टेटमेंट पढ़ते जाना है, आपको सॉल्व ऑलरेडी वो इक्वेशन के फॉर्म्स में दो इक्वेशन बन जाएगा, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम लोग एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रैक्शन को बेस्ड पे, यहाँ पे देखने जा रहे हैं कि एक और क्वेश्चन फ्रैक्शन के बेस्ड पे। तो हम लोगों ने एक क्वेश्चन अभी किया फ्रैक्शन के बेस्ड पे, आंसर आया 5/7। कैसे कॉन्सेप्ट था, एकदम सिंपल, कि एक फ्रैक्शन होता है एक्स वाई के फॉर्म में, मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो सम है वो 12 था, उसके बाद कुछ कंडीशन था, उसको सॉल्व करने पे दूसरा एक क्वेश्चन आया, दोनों को सॉल्व करने पे एक्स और वाई निकल गया। अब हम उसके बाद फ्रैक्शन का वैल्यू एक्स और वाई में पुट करने पे वो फ्रैक्शन निकल गया। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्चुअली, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ कि इन अ गिवन फ्रैक्शन द न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5। तो हम लोग पहले तो एज्यूम कर लेते हैं कि फ्रैक्शन जो होता है वो किस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, वो हम लोग उसको एज्यूम कर लेते हैं। तो यहां से देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन, लेट द फ्रैक्शन बी एक्स बाई वाई। हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन को एक्स बाय वाई को फॉर्म्स में ले रहे हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से और डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है 5 से। तो व्हेन न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस्ड बाय 5, मान के चलिए क्वेश्चन में पहला स्टेटमेंट ये बोला गया है। तो अगर समझिए एक फ्रैक्शन अगर x और y के फॉर्म्स में है, तो उसमें x क्या है न्यूमरेटर है, y क्या है डिनोमिनेटर है, तो बोल रहा है x जो है अगर मल्टीप्लाइड हो रहा 2 से, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगा 2x, और इसका जो डिनोमिनेटर है मतलब y, वो क्या होगा रिड्यूस हो जाएगा 5, उस डिनोमिनेटर y में क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा 5। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये कंडीशन जब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एक नया फ्रैक्शन मिल रहा है हम लोग को 6/5, तो ये अप्लाई करने पे क्या आंसर आ रहा है 6/5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे, यहाँ से इक्वेशन आएगा लीनियर इक्वेशन, तो हम लोग जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 2x into 5 क्या आ गया 10x, समझिए इसको आप, इज इक्वल टू 6 into this पूरा, तो 6 into y minus 5, तो यहाँ से इक्वेशन बन रहा है 10x इज इक्वल टू 6y minus 30। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लेके आते हैं, तो ये हो जाएगा 10x minus 6y is equal to minus 30, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। क्लियर हो रहा है यहाँ तक, सिंपल जो बोला गया था क्वेश्चन में, हम लोग उस पैटर्न में गए और एक फ्रैक्शन का वैल्यू भी दिया गया था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन नंबर 1 आ गया। अब उसके बाद हम लोग इक्वेशन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए आगे बोल रहा है कि बट इफ द न्यूमरेटर
of a fraction is increased by 8. अब देखिए, एक x by y है, ठीक है? इसमें बोल रहा है numerator जो है वो increase कर रहा है कितना? 8 से. तो x plus y, x plus 8 हो जा रहा है. क्या बोल रहा है? Numerator जो है उसमें 8 increase कर रहा है. तो x plus 8 and the denominator is double. तो ये y जो है वो क्या हो जा रहा है? 2y. y जो है वो 2y हो जा रहा है. तो 2y होने पे एक फ्रैक्शन मिल रहा है हमारा 2/5. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. तो यहां पे देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 4y is equal to 5x plus 40 आ रहा है. क्लियर हो गया? देखिए, 2y into 2 4y, 5 into x plus 8. तो 5 into x 5x, 5 into 8 40. तो हम लोग उसको अगर सॉल्व करें तो ये कुछ ऐसा बनेगा, 5x minus 4y is equal to, देखिए हम लोगों ने क्या किया, इस y को हम लोग इस तरफ लेके आए और इस 40 को हम लोग उस तरफ लेके जा रहे हैं. तो यहां पे हो जाएगा minus 40. ये इक्वेशन नंबर 2. देखिए, इक्वेशन नंबर 1 भी आ गया, इक्वेशन नंबर 2 भी आ गया. अब हमें क्या करना है, कोएफिशिएंट को इक्वल करके इसको सॉल्व करना है. तो देखिए, यहां पे जो कोएफिशिएंट है y का वो है -4 या 4 बोल सकते हैं. और यहां पे कोएफिशिएंट क्या है? 6. तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से. तो कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा? 12. तो अब आगे क्या करते हैं, देखिए तरीका, व्हेन इक्वेशन नंबर 1 इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 इज मल्टीप्लाइड बाय 3. जब इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर रहे 2 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे 3 से, तो एक नया इक्वेशन बनेगा. आप देख सकते हैं यहां पे 20x, नो यहां लिखते हैं, ज्यादा इजी होगा. ठीक है, हम लोग इस तरफ सॉल्व करते हैं, ज्यादा इजी होगा सॉल्व करना. तो देखिए, मल्टीप्लाई करके आ जा रहा है 20x minus 6y into 2, क्या आ रहा है? 12y is equal to minus 60. और यहां पे 15x minus 12y is equal to minus 120. हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं, माइनस करने पे क्या होगा, दोनों ही y टर्म्स कट जाएगा. तो 20 minus 15 क्या आ रहा? 5x. और जब हम लोग दोनों इसको सॉल्व करेंगे तो साइन अपोजिट, तो देखिए क्या आएगा वैल्यू, आ रहा है 60. तो x का वैल्यू क्या आ गया? 12. x का वैल्यू क्या आ गया? 12. अब x is equal to 12 इन इक्वेशन नंबर 1. 1 में पुट करने पे क्या आ रहा है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 हमारा ये मान के चलिए 10x minus 6y is equal to minus 30. ये था इक्वेशन नंबर 1. x का वैल्यू 12 यहां पुट करिए, तो 10 into 12 minus 6y is equal to minus 30. तो 120 इस 30 को उधर ले गए, तो plus 30 is equal to 6y हो जाएगा. ठीक है, इसको सॉल्व करिए तो 150 is equal to 6y, therefore y is equal to 25. y is equal to क्या आ गया? 25. ठीक है, x का वैल्यू आ गया 12, y का वैल्यू आ गया 25. तो क्वेश्चन में लास्ट में ऑलरेडी आपको पता है क्या निकाला है, फाइंड द फ्रैक्शन. तो फ्रैक्शन निकाला है, तो therefore हम लोग यहां लिखते हैं, therefore क्या ऐसे लिखते हैं, required fraction, therefore required fraction is equal to 12/25. हमारे आंसर क्या आ गया? 12/25. ठीक, तो यही पूरा कॉन्सेप्ट है एक्चुअली, अगर हम लोग समझे फ्रैक्शन को. ये कोई ज्यादा मतलब समझाने लायक कोई चीज नहीं है, बस क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला जा रहा है अब उस वो स्टेप्स यूज करिए. और ऑलरेडी एक हिंट दिया रहेगा उसके साथ, तो आप दो इक्वेशन आपको मिल जाएगा, दो इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, x और y वैल्यू आ जाएगा, तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाएगा, फ्रैक्शन का वैल्यू निकल जाएगा. 3 में जो हम लोगों ने समझा, क्या देखा, 2 डिजिट नंबर का कांसेप्ट, तो उस जगह पे आपको फोकस करना है. ठीक है, 2 डिजिट नंबर का जो कांसेप्ट है उस जगह पे फोकस करना है. 10x plus y वाला कांसेप्ट हम लोगों ने पूरा ऐसे समझा, और वो एक्सीड कर रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, और उसको इंटरचेंजिंग और रिवर्स ऑर्डर, वो पूरा कांसेप्ट को अच्छे से समझिएगा. अब बहुत सारे क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है, उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए और उस पे. ठीक है, और हो सके तो एनसीईआरटी और वाले सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से कर लीजिएगा. और अगर आपके पास 10 इयर्स का सॉल्व पेपर है
तो आप उसको भी बनाइए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ या जो भी हम लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं वो उस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है या नहीं। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज हम लोगों ने टाइप 3 और टाइप 4 पढ़ लिए, टाइप 5 हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। ठीक है, सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।